नवलगढ़ में एसीबी की टीम ने पश्चिम बंगाल के उप निरीक्षक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। आरोपी सब इंस्पेक्टर दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद परिवादी द्वारा एसीबी को शिकायत की गई। शुक्रवार को झुंझुनू एसीबी ने एएसपी इस्माइल खान की अगुवाई में कार्यवाही करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस उप निरीक्षक सौपन्न कुमार राय को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की झुंझुनू ब्रांच को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ पुलिस थाना नेहटी बैरकपुर पश्चिम बंगाल में दर्ज बलात्कार के मामले में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर कमिश्नरेट का सब इंस्पेक्टर रिश्वत की मांग कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी एसआई 50,000 रुपए के बदले गिरफ्तार नहीं करने का ऑफर दे रहा है। पीड़ित के शिकायत पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी झुंझुनू इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान के नेतृत्व में शिकायत का वेरिफिकेशन किया। उनकी ओर से टीम के ट्रैप कार्यवाही की योजना बनाई गई। एसीबी की योजना सफल रही और आरोपी उप निरीक्षक को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ और आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम जांच की जाएगी। ये अपने नवलडी गाँव का परिवादी है मनीराम उर्फ मनोज। इसके खिलाफ वेस्ट बंगाल में नेहटी पुलिस थाना में कोई प्रकरण दर्ज है। उस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ये स्वपन कुमार राय सब इंस्पेक्टर है तफ्तीश के लिए आया और मुकदमे को रफा दफा करने के लिए और गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में 1,00,000 रुपए की मांग की। मांग का सत्यापन कराया गया तो 60,000 रुपए पे तय हुई। अब परिवादी के पास 50,000 रुपए बने तो 50,000 रुपए ले जाके दिया और इसी मांग के अनुक्रम में 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर स्वपन कुमार को अरेस्ट किया। तीसरे एक्ट में बहुत ज़्यादा ये आपके 420, 417, 376 ये 2024 का है। हमारे पास तो आज कंप्लेंट आई, आज ही तस्दीक करा ली, आज ही ये तहसील परिसर के पास अभी ट्रैप कार्रवाई चल रही है। अब वो समय देखना पड़ेगा कितने बजे का।